नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? बिल्कुल आपका ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। शेष आपके, देखिए क्रिया का भेद तो होता है, नाम बोधक क्रियाएं होती हैं, प्रेरणार्थ क्रिया, नाम बोधक क्रिया, संयुक्त क्रियाएं, लेकिन संयुक्त क्रिया के भेद के अंतर्गत नाम बोधक नहीं आता है। शेष आपके अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक, ये सभी जो है संयुक्त क्रियाओं के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, आपको अनुवाद बताना है हिंदी में, ग्रास ऑन दी अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो कुछ आपके आइडियाम्स, फ्रेजेस यानी लोकोक्ति और मुहावरा पूछ लिए जाते हैं, उनका हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, ये आपका लोकोक्ति है। इससे उपर्युक्त अंग्रेजी के वाक्य के लिए ये आपका सही होगा आंसर। तो ये हो गया आपका राइट विकल्प। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, कहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो कारक आठ प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका तीसरा विभक्ति है, तीसरा कारक है करण कारक। इसके लिए विभक्ति होती है से के द्वारा। तो से जितने भी आठ कारक हैं, आप, मैं एक बार नाम बोल दे रहा हूँ विभक्ति से ही, तो आप सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के अर्थ में, चौथा आपका हो गया संप्रदान के लिए, पांचवा हो गया अपादान से विभक्ति होती है अलग होने के अर्थ में, छठा हो गया आपका संबंध कारक, इसके लिए विभक्ति यूज करते हैं का की के रारी रे नानी ने। इसके अलावा सातवां हो गया आपका अधिकरण कारक विभक्ति में पर आधार के अर्थ में, और आठवां हो गया आपका संबोधन हे अरे इस तरह से। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किन्नी से। ठीक है, से विभक्ति लगती है किन्नी से, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक में बहुवचन रूप होगा। तो आप ये विभक्ति देख लेंगे तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो करण कारक में से विभक्ति होती है, तो ये आपके लिए ट्रिक हो गया। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम के कुल छह भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो ये कुल छह प्रकार के सर्वनाम के प्रकार होते हैं। गुणवाचक ये कोई सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ये विशेषण का प्रकार होता है। विशेषण आपके कुल चार प्रकार के होते हैं, गुण, संख्या, परिमाण, और एक प्रकार और होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल बी हो गया राइट आंसर। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? देखिए पद परिचय को आप पद निर्देश कह सकते हैं, पद निर्णय कह सकते हैं, पदान्वय कह सकते हैं, जबकि पद संगठन का इससे कोई संबंध नहीं है। तो आपका ए हो गया बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, ये गलत हो रहा है, आपका संबंध कारक होगा छठवां कारक। ठीक है, इसके लिए विभक्ति होती है का की रे रारी ने नानी ने। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी में ये सेंटेंस दिया गया है कि हायरिंग ऑफ accommodation on proposed terms not approved। तो आपको बिल्कुल इसका ठीक ठीक अनुवाद बताना है, चारों में से कौन सा अनुवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका बी होगा कि प्रस्तावित शर्त यक्ष पे स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, फिर से आपका अंग्रेजी में सेंटेंस दिया गया, आपको बताना है इसके लिए राइट आंसर। गोपाल ऑट टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट। तो कंडक्ट मतलब व्यवहार होता है, असेम्ड मीन्स शर्म आना, हिमसेल्फ आपका अगर हिंदी में कहें तो ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है।
तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया। आपको बताना है इसका सही अंग्रेजी अनुवाद। तो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी वाले काफी प्रश्न आते हैं। बिल्कुल आपका हो गया बी ऑप्शन, दियर वर्क हैज नॉट एट, यानी अभी तक, बिन फिनिश्ड बाई देम, यानी उनके द्वारा। तो आपका बी हो गया राइट आंसर। अगला देखिए, इसी के साथ गद्यांश दिया गया है और इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं, चार प्रश्न हैं आपको बताना है, तीन प्रश्न हैं। तो गद्यांश पढ़ लीजिए पहले। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, अनुशासन क्यों आवश्यक है? तो अगर आप गद्य को ध्यान से पढ़ लेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर देना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका बी है कि परिवार में सद्भाव, समाज, राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन किसकी आत्मा है? अगला प्रश्न है। तो अगर आप गद्यांश को आपने अगर ठीक से पढ़ लिया होगा तो सैनिक जीवन की एक लाइन वहाँ पे आया हुआ था, सैनिक जीवन की आत्मा, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा होती है। अगला आपका है इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्न है कि विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है? अनुशासन का न होना भी आपका राइट विकल्प है। अब देखिए अगला प्रश्न है, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? तो जैसे शब्द होते हैं ना अपने अपने, अभी अभी, कभी कभी, तो ये सभी पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं। तो पास ही पास में पूछ रहा है किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है। तो यहाँ पर विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति हुई है, पास ही पास, भी आपका हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो हिंदी परिज्ञान और लेखन के लिए वीडियो प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से हिंदी की प्लेलिस्ट से वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है तो काफ़ी बढ़िया आपको मैटर वहाँ से मिल जाएगा और ये सेक्शन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है प्रिय मित्र। ठीक है, मित्र के लिए संबोधन लिखना है तो सिंपली आपका हो गया प्रिय मित्र, औपचारिक पत्र हो गया। तो कौन सा कथन, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कथन गलत है या फिर असत्य है? पहला कथन देख लीजिए, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये कथन सही है। अगला है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, तो अर्धशासकीय पत्रों में प्रिय लिखा जाता है संबोधन में। स्वनिर्देश के लिए सद्भाव, आपका सद्भावी या फिर सिंसियरली इंग्लिश में, बिल्कुल राइट है ये भी। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है तो ये इसमें नहीं होता है, अधिसूचना में ये होता है, अधिसूचना में हस्ताक्षर किया जाता है, भेज पत्र जो लिखा जाता है, अधिसूचना जारी की जाती है उसमें। ठीक है, आपका हो गया।